सुनाती हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा एन इमेजिनरी लाइफ, जो कि एक फिक्शनल नॉवल है रिटन बाय डेविड मालोफ। ये एक रोमन पोइट है और इनका फुल नेम है डेविड जॉर्फ जोसेफ मालोफ, और इनका बर्थ 20 मार्च 1934 को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये तो एक पोइट और नॉवलिस्ट करते हैं। ये जो इमेजिनरी लाइफ नॉवल है, इसमें स्टोरी बताई गई है एक इन फेमस रोमन पोइट की, जो कि थे ओविड। इनको एग्जाइल हो गया था वो टॉमिस के आइलैंड पे। शुरू शुरू में नॉवल में हम ये देखते हैं कि पोइट जो था वो वहाँ पे, जहाँ पे उनको एग्जाइल हुई थी, वहाँ जाके रहना उनको बहुत ही खराब लगता था। वो बहुत ही डिसओरिएंटेड थे उस जगह से, वो वहाँ के लोगों से ऐसे कटे कटे रहते थे। और उनको एक ट्राइब ने अपने क्लैन में शामिल किया जिनका नाम था गेटे ट्राइब। पर जो ओविड थे उनको ना ही तो इनकी लैंग्वेज आती थी, ना ही इनके कल्चर के बारे में कुछ पता रहता था, और वो इन असभ्यों के लोगों के बीच में रह रहे थे। पर एक बार क्या हुआ, उनको जंगल में एक पॉपी का प्लांट मिला, जिसको देख के उनको बहुत ही इंस्पिरेशन मिली कि कैसे ये पूरे जंगल के बीच में एक अकेला पॉपी का जो प्लांट है ये सरवाइव कर रहा है। तो उनको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, और वो भी उसी तरह से वहाँ पे उन लोगों के बीच में घुल मिल के रहने लगी। वो अब ये मानते थे कि वो भी उस पॉपी के प्लांट की तरह है, और वो भी इस इन्वायरमेंट में उसी की तरह रहेंगे। अब वो उन विलेजर्स के साथ में वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके, उनकी एक्टिविटीज़ में ध्यान देने लगे, और वो गार्डनिंग भी करने लगे उनके साथ साथ। उन्होंने क्लोज रिलेशनशिप भी बनाया, उनके जो लीडर था उस क्लैन का जिसका नाम था रजाक, उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन गए। तो एक बार क्या होता है, रजाक और ये जो ओविड थे ये एक ईयरली डियर चेजिंग ट्रिप पे निकले, जो कि हर साल ये जाते थे, ये क्लैन वाले ये हिरनों का शिकार करने जाते थे। ओविड को वहाँ पे एक बच्चा मिला जो कि जंगल में अकेला था, जिसको नेचर ने ही पाल पोस के आज तक इतना बड़ा किया, और नेचर ही उसकी देखभाल कर रही थी। जो लोकल्स थे वो उस बच्चे को पकड़ना चाहते थे, और वो ये मानते थे कि इस बच्चे के अंदर कोई शैतानी रूह है, इसके अंदर किसी और की स्पिरिट है। पर जो ओविड था वो उस बच्चे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहता था, और उसने उसको अपने क्लैन में शामिल भी किया। जो वहाँ के लोकल्स थे वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर इवेंचुअली क्या होता है, रजाक जो है उस बच्चे को अपने क्लैन में रहने की इजाज़त दे देते हैं। रजाक की फैमिली और उसकी जो बूढ़ी माँ थी वो इस बात के लिए मतलब मान नहीं रहे थे कि उस बच्चे को हम अपने क्लैन में रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। तो थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, रजाक का जो ग्रैंडसन होता है वो बीमार हो जाता है, और रजाक भी उसके बाद वो भी खुद बीमार हो जाता है, और सभी जो क्लैन वाले लोग थे, वो सभी कबीले वाले लोग थे, वो इस चीज़ का दोषी, इस चीज़ के जिम्मेदार वो उस छोटे बच्चे को बताने लगते हैं। रजाक के पोते को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद रजाक के साथ भी ये चीज़ सेम होती है। सभी गांव वाले यही सोचते थे कि वो जो छोटा बच्चा है उसके अंदर किसी आत्मा का साया है, और उसी की वजह से जो है वो सभी गांव में उनके ये चीज़ें हो रही हैं कि सभी बीमार हो रहे हैं, अब रजाक भी बीमार हो गया है। तो वो सभी उसका दोषी उस बच्चे को समझते थे। तो उसी गुस्से के चलते ही विलेजर्स जो थे उन सभी ने रजाक को मार दिया। ये चीज़ देख के ओविड जो छोटे बच्चे को लेके जंगल की ओर भागा, और जब वो जंगल में रहने लगे तो उन दोनों के बीच में बहुत ही एक गहरा बॉन्ड बन गया। अब वो बच्चा ओविड को सिखाने लगा कि कैसे नेचर के साथ कनेक्ट होना है, और कैसे नेचर के साथ उसके अकॉर्डिंग चलना है। इवेंचुअली जो उन दोनों की जॉब्स होती है वो टर्न हो जाती है, मतलब उन दोनों की जॉब्स जो है वो एक दूसरे में बदल जाती है, क्योंकि पहले ओविड जो था वो उस बच्चे की देखभाल करता था, अब चूंकि ओविड जो है वो बूढ़ा हो चुका है इसलिए वो बच्चा ओविड की अब देखभाल करता है। सो एंड में यहाँ पे ओविड जो है उस बच्चे की बाहों में अपनी जान जो है त्यागता है। वो जब भी मर रहा होता है वो बिल्कुल सुकून से मर रहा होता है, अपनी बॉडी को बिल्कुल सुकून से छोड़ रहा होता है। वो अब बहुत ही मतलब सेटिस्फाई हो चुका होता है खुद से, वो सोच रहा होता है कि मैं मर नहीं रहा। वो अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्नॉलेज करता है, वो बोलता है कि मैं अब मेरी मौत हो रही है ये मेरा एंड नहीं है, पर ये मेरी नेक्स्ट स्टेज की जो जर्नी है वहां के लिए ये प्रोसेस है जिससे हर एक को होके निकलना है। सो ये थी हमारी इमेजिनरी लाइफ की ट्रांसलेशन। होप आप सभी को ये पसंद आई हो और आपके लिए ये हेल्पफुल हो। ऐसी
Please like, share and subscribe for more videos. Thank you.